तहरीके इंसाफ रहनुमाओं की इदारों पर तैनातियों के लिए सियासी दबाव इस्तेमाल करने की रविश ना बदली। मशीर सेहत वजीर आला पंजाब हनीफ पताफी का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अहलकार की बहाली के लिए डिप्टी कमिश्नर को सिफारिशी खत मंजर आम पर आ गया है। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अजीज बताइएगा खत में क्या कहा गया है। जी शुक्रिया। मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान को लिखे गए खत के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के साबिक सवार को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दोबारा बहाली करने का कहा गया है। जराये के मुताबिक मजकूरा सवार पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज है और वो गैर कानूनी हरकत जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात के अलावा नाजायज असला रखने के जुर्म के पैस दूसरी बार मुलाजमत से निकाला गया है और गुज़श्ता 8 साल से महकमा से बर्खास्त है बर्खास्त शुदा, जिसकी बहाली के लिए मुशीर सेहत हनीफ पिताफी डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाल रहे हैं। अराकीन असम्बली से गहरी मुरासम की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर पर इसकी बहाली के लिए काफी दबाव डाला जा रहा है और यूं ही सफारशी खत में ताज़ा तरीन इजाफा मुशीर सेहत हनीफ पिताफी का जफर बिजरानी की बहाली के लिए लिखा गया सफारशी खत मंजर आम पर आ गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़।